खरगोन जिले में लूट मामले में पकड़े गए खेरकुंडी गांव के बिशन पिता हाबू की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई थी। मामला एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। इसी बीच आदिवासी संगठन जयस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना देकर मामले में उचित कार्यवाही की मांग की है। एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहा था। इसी बीच मृतक के परिवार को मुआवजा राशि देने की बात कहते हुए संगठन ने टीआईटी कॉम्प्लेक्स परिसर में एक दिवसीय धरना देकर एसपी से मुलाकात की और 5 सूत्रीय मांग के निराकरण की बात पर ज्ञापन सौंपा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। खरगोन के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। हमारी प्रमुख मांग ये है कि बिशन पिता हाबू की मौत, विष्टान थाने पर पुलिस की अत्यधिक मारपीट वो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुई थी, तो उनके ऊपर एट्रस्टी के एक तहत कार्रवाई कर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि कंडिका 65 के तहत एट्रोसिटी एक्ट में राहत राशि जो मिलते हो उनको दिया जाए। क्या घटना क्या थी है? घटना निष्ठान थाने में चोरी के आरोपी में बिशन को गिरफ्तारी हुई थी, उसकी मारपीट में उनकी हत्या हो गई थी। क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करें कि उपरोक्त सभी घटनाओं में कार्रवाई की जाए, नहीं तो 8 दिवस के अंदर जयस खरगोन के नेतृत्व में प्रदेश स्तर का उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। क्या नाम लिखते आप? कोल्लू खोड़े जयस जिला अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।